तक खाती चल परी। इसे भी श्रद्धा की तरह खत्म कर देता तो अच्छा होता। मुक्ता, मेरे क्यों रुकवा दिया आपने? जब आई है तो शादी रुकवा रही है। पंडित जी आप भी जाइए, रखिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मुक्ता चलिए, माफ कीजिए ठाकुर साहब। आज तक को कोई नहीं रोकेगा। हमेशा कहती थी ना कि मुक्ता मेरा भला चाहती। कैसा भला है ये माँ? हर एक वीरों के साथ सपनों की नई दुनिया में कदम रख रही थी मैं। मुक्ता ने आते ही सारे सपने तोड़ दिए। प्लीज माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रुकिए। मासी प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ, सब चाहिए अपनी बेटी को। आखिर इसे क्या मिलेगा मेरी शादी तोड़कर? शांत हो जा मीठी। हाँ मीठी बेटा, अब चिंता मत कीजिए। आपकी शादी की हर एक रस्म बिना किसी बाधाएं पूरी होगी। उसी दिन मैंने मुक्ता से कहा था कि वो चेक मेरे दोस्त आकाश का है, चेक मेरा नहीं है। कहाँ है आपका दोस्त? शादी में तो आया ही होगा ना, कहीं दिख नहीं रहा है।
आपने उसे बुलाया नहीं? उसकी तरह से कोई गिफ्ट तो जरूर आया होगा। मुक्ता? जिसे आप 1,00,000 का लोन दे सकते हैं, उस दोस्त को अपनी शादी में नहीं बुलाया? बुला कैसे सकते हैं? क्योंकि आकाश चैटर्जी और कोई नहीं, आप खुद है। ये विष्णु नहीं आकाश चैटर्जी है, इस बात का सबूत हमें उस दिन मिला था जिस दिन हमारी दोस्त श्रद्धा ने इसे देखा था मीठी के साथ। उस वक्त वो पहचान नहीं पाई, लेकिन उसी रात को श्रद्धा ने हमें फोन किया था। फोन करके उसने हमें बताया था कि ये विष्णु नहीं आकाश चैटर्जी है और एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। अब उसी वक्त श्रद्धा से मिलने गए, लेकिन हम वहां पहुंचने से पहले श्रद्धा अपने कपड़े की खिड़की से नीचे गिरी और एक सबूत खत्म है ना। मुक्ता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे कहने पर हम पुलिस के पास गए और उन्होंने साफ साफ कहा था कि श्रद्धा ने सुसाइड किया है, उसका मर्डर नहीं हुआ। तुम फिर भी? नहीं भाभी, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती है, उसका खून किया गया था। और उसका खून किया किसने? राखी, क्या बकवास है ये? क्या कह रही हैं आप? किसका खून? बस कीजिए। हाथ जोड़ते आपके सामने, ये झूठे आरोप लगाना मुझ पर बंद कीजिए आप। बहुत संयम रख लिया हमने, अब इससे ज्यादा अपमान नहीं सहन कर पाएंगे। क्षमा करना मीठी, आज यहां मेरा कोई नहीं जो पक्ष ले सके, इसलिए बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। ये ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे मत सोचिए। संयम, संयम रखना क्या होता है मुझसे पूछो ना। इस वक्त मैं बताता हूं ना तुम्हें, पर अगर संयम रख ही रहे हो दूल्हे राजा, तो थोड़ी देर और रख लो। बात अभी खत्म कहां हुई? बात खत्म तो होने तो पहले, अभी तो मैंने किसी को बताया नहीं कि आज सुबह से मुक्ता थी कहां।